हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका स्क्रिप्ट दोस्त चेतन उनियाल और मैं स्वागत करता हूं आपका ये फिल्म स्कूल के इस पटकथा प्रवचन यानी स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल में। और आज का हमारा टॉपिक है कहानी में ट्विस्ट, यानी प्लॉट ट्विस्ट या कहानी में ट्विस्ट। एक अच्छा ट्विस्ट कैसे बनाया जा सकता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उसे अच्छा बनाती हैं और किन वजहों से वो एक कमज़ोर ट्विस्ट बन के रह जाता है। कई कहानियों में हमें कुछ ट्विस्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं तो कई कहानियों में हमें वो ट्विस्ट उतना इम्पैक्टफुल नहीं लग पाते, तो उनके पीछे क्या वजह होती है आज जानेंगे हम अपने इस पटकथा प्रवचन यानी स्क्रीन प्ले ट्यूटोरियल में। तो आइए शुरू करते हैं कहानी में ट्विस्ट। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कहानी में ट्विस्ट की, हमें याद आते हैं ऐसे एक्साइटिंग से मूवमेंट, थ्रिलर वाले मूवमेंट, एक्शन वाले मूवमेंट, जहां हम कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग कुछ और ही रिजल्ट निकला। लेकिन हर ट्विस्ट ज़रूरी नहीं बहुत ही एक्साइटिंग हो, बहुत ही इंगेजिंग हो। कई ट्विस्ट हमें अच्छे लगते हैं, कई ट्विस्ट हमें ऑन एन एवरेज लगते हैं। अब ये ट्विस्ट हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों बुरे लगते हैं, इनके पीछे एक वजह होती है और वो मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले मैं ये डिस्क्राइब कर दूं कि एक अच्छा ट्विस्ट होने के लिए किन किन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। देखिए, सबसे पहले तो वो ट्विस्ट हमें ऑर्गेनिक लगना चाहिए। ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल लगना चाहिए, एब्रप्ट नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ट्विस्ट डालना था इसलिए मतलब चीज़ों को घुमा दिया गया। वो हमें कहानी का एक हिस्सा लगना चाहिए। अगर वो ट्विस्ट आया भी है तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ये कहानी के इस नरेशन के स्टोरी टेलिंग के वर्ल्ड में फिट बैठता है। अगर वो एहसास हमें नहीं होता है तो वो जो ट्विस्ट है वो हमें काफ़ी अननेचुरल और इनऑर्गेनिक सा लगता है और हम उससे मतलब तालमेल नहीं बिठा पाते हैं, या तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या अगर हम उसे एक लेवल को एक तौर पर मान भी लें तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि नहीं, वो उतना अच्छा नहीं। अब दूसरी, उस ट्विस्ट के नेचुरल होने के अलावा जो दूसरी कंडीशन सबसे बड़ी फुलफिल करनी होती है एक ट्विस्ट को, वो ये है कि कैरेक्टर की जो जर्नी है उस दौरान, कहानी की जर्नी के दौरान, उस ट्विस्ट की वजह से कैरेक्टर के एक्सटर्नल, इंटरनल और सोशल या फिलोसॉफिकल वर्ल्ड पे क्या असर पड़ा है। याद रखिएगा, उसका एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसका इंटरनल वर्ल्ड और फिलोसॉफिकल या सोशल वर्ल्ड। अगर वो ट्विस्ट उन तीनों चीज़ों को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है तो वो ट्विस्ट हमें उतना ही पावरफुल, उतना ही इम्पैक्टफुल महसूस होता है। और अगर वो ट्विस्ट उन तीनों में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो ट्विस्ट हमें कोई ख़ास नहीं लगता है। अगर दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है, कैरेक्टर के इंटरनल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है और कैरेक्टर के उस फिलोसॉफिकल, उस सोशल वर्ल्ड को भी अफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें मिलके उस ट्विस्ट को ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाती हैं और हमें लगता है कि ये ज़बरदस्त ट्विस्ट था। अब इस ट्विस्ट को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एवरेज अच्छा और बहुत अच्छा ट्विस्ट, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं मूवी का देना चाहूँगा वो है मूवी पठान। पठान अगर आपने देखी हो तो उसमें ख़ास सीक्वेंस था जिसमें शाहरुख खान को मतलब कैद कर लिया गया है और अब उन्हें जो मतलब दुश्मन देश के सैनिक हैं वो एक ट्रेन में कहीं दूसरे प्रिजन में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ले जा रहे हैं। अचानक उस ट्रेन पे कुछ क्या कहते हैं आतंकवादी हमला करते हैं और वो शाहरुख खान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त सलमान खान किसी तरह मौके पर पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। तो अभी ऑडियंस को लग रहा है कि शाहरुख खान फंस गया है इस सिचुएशन में, कैसे बाहर निकलेगा, लेकिन तभी सलमान खान जो कि टाइगर का कैरेक्टर कर रहे हैं वो अचानक ट्रेन से आते हैं और शाहरुख खान को बचा लेते हैं। अब ये कहानी में ट्विस्ट है, लेकिन ये उतना इम्पैक्टफुल, उतना ऑर्गेनिक फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑडियंस जब देखती है तो उन ऑडियंस को समझाने के लिए एक सिंपल सा एक फ्लैशबैक में क्रिएट कर दिया जाता है कि हाँ, जब शाहरुख खान अपनी सीनियर से बात कर रहे थे दुश्मनों के बीच फंसे हुए, तो वो मॉर्स कोड में उन्हें बात कर रहे थे, उनकी सुपीरियर उन्हें बता रही थी कि नहीं, टाइगर आने वाला है और तुम्हें वो बचा लेगा, ऐसा सब कुछ। और फिर शाहरुख खान को जब ये पता लग जाता है तो वो फाइट करते हुए आसानी से उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। अब ये कहने को तो ट्विस्ट है,
पर ये ट्विस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्विस्ट है, क्योंकि एक तो ये इसे कहानी में अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया गया, ये कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ जो हमारी कहानी का मेन पर्पस है, मतलब किसी भी कहानी में ट्विस्ट का मेन पर्पस होता है उसे इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, कि एक्सटर्नल, इंटरनल और फिलोसॉफिकल लेवल पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे कैरेक्टर में, तो यहाँ हम देखते हैं कि उन तीन में से सिर्फ एक सिचुएशन सेटिस्फाई होती है, और वो होती है कि एक्सटर्नल। अभी हमारा हीरो मरने वाला था और फिर कुछ कहानी में ट्विस्ट आया और वो हीरो मरते मरते बच गया, अपनी चाहे दिलेरी से, चाहे मतलब अपने दिमाग से, या फिर उसे कोई लक का वो मिला। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है, प्लस ये तीन में से सिर्फ एक सिचुएशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसलिए आपको ये ट्विस्ट उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। अब यहाँ से एक एवरेज ट्विस्ट से हम आते हैं थोड़ा इम्पैक्टफुल ट्विस्ट की तरफ, और उस इम्पैक्टफुल ट्विस्ट को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा दृश्यम का। जी हाँ, दृश्यम जैसा आप सब लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म, वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स। और उसमें जो कहानी में ट्विस्ट आता है, जब पता चलता है कि अजय देवगन की बेटी जो है उसके हाथों एक लड़के की हत्या हो गई है, और अजय देवगन को वो लाश छिपानी है। अब वो उस लाश को छिपाने के लिए मतलब परेशान है कि उसे कैसे सेफ जगह छुपाए जहाँ से वो पकड़ा ही ना जा सके, तो वो उस लाश को ऐसी जगह छुपाता है कि पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसे ढूंढ नहीं पाती है। और जब ऑडियंस के मन में ये सवाल बैठा रहता है कि कहाँ छुपाया गया है, वो कहाँ छुपाया गया है, तब फाइनली वो कहानी में ट्विस्ट आता है और ये पता चलता है कि जो पुलिस अजय देवगन को टॉर्चर कर रही है, अजय देवगन को मार रही है, उसकी फैमिली को टॉर्चर कर रही है, उस लाश का पता लगाने के लिए अजय देवगन ने उसी पुलिस की नाक के नीचे यानी उसी पुलिस स्टेशन में उस लाश को दबाया है। तो यहाँ मतलब एक तो ये काफ़ी शॉकिंग होता है, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ट्विस्ट। लेकिन ये इतना इम्पैक्टफुल क्यों होता है, उसमें हमें क्लियरली कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे एक तो ये ट्विस्ट काफ़ी ऑर्गेनिक फील होता है, पूरी कहानी इस पे इस्टेब्लिश की गई है कि हाँ आखिर उस लाश का क्या हुआ। कहीं ना कहीं पूरी कहानी में आपको उस लाश के बारे में जानने का वो रहता है कि हाँ भाई बेटा गया तो गया कहाँ। यहाँ तक कि जब उनके घर पर खुदाई होती है तब भी आपको लगता है कि ओके इस खुदाई में शायद अब वो सामने आने वाला है राज, उसके बेटे की लाश यहीं पे तो दबाई गई थी इस गड्ढे में। लेकिन तब आपको पता चलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो कहीं जानवर की लाश है, इसका मतलब बेटे की लाश कहीं और है। तो फाइनली जब इन सारी बातों का जवाब जो ऑडियंस ढूंढ रही है उसको वो जवाब मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई होती है कि ओके अभी तक हम अजय देवगन के कैरेक्टर के साथ थे, उसके लिए रूट कर रहे थे कि हाँ इसे जीतना चाहिए, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं ये भी जानना चाह रहे थे कि यार अगर आपने आखिर लाश दबाई है तो कहाँ दबाई है। और जब फाइनली ऑडियंस को ये पता चलता है कि हाँ लाश यहाँ दबाई गई है, तो वो उनको सेटिस्फाई करता है। एक तो ये ट्विस्ट बहुत ही ऑर्गेनिक है, दूसरा उस चीज़ को भी सेटिस्फाई करता है कि हाँ पुलिस टॉर्चर कर रही है तो ठीक, पुलिस के नाक के नीचे ही दबा दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं उस ट्विस्ट के तीनों फैक्टर्स पे पड़ने वाले इम्पैक्ट की, एक्सटर्नल, इंटरनल और फिलोसॉफिकल। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सटर्नल तो ऑफकोर्स उस ट्विस्ट में ये था कि पुलिस ने शायद पता लगा लिया है, लेकिन पुलिस पता नहीं लगा पाती है, और फाइनली ये पता चलता है कि अजय देवगन पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट था और उसने अपने आंगन में लाश दबाने के बजाय पुलिस स्टेशन में ही लाश दबाई। तो हमारा कैरेक्टर अपनी क्या कहते हैं दिमाग की ताकत की वजह से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आखिरकार हराने में कामयाब हो जाता है। अब ये तो हुआ एक्सटर्नल। इंटरनल कहीं ना कहीं दोनों तरफ के कैरेक्टर्स में एक शिफ्ट आता है, जब पुलिस लाख कोशिश करने के बावजूद तब्बू जो खासकर उस बच्चे की माँ है वो ढूंढ नहीं पाती, और फाइनली उन्हें पता चलता है कि शायद गार्डन में वो लाश दबी हो सकती है, लेकिन गार्डन में कोई दूसरी ही लाश निकलती है, तो कहीं ना कहीं तब्बू के कैरेक्टर को धक्का लगता है कि क्या वो अभी तक जो सोचते आ रहे हैं कि ये इंसान मुलजिम है, कहीं वो गलत तो नहीं सोच रहे, क्या उनकी अपनी थ्योरी तो गलत नहीं है। दूसरी तरफ इंटरनली अजय देवगन के कैरेक्टर में जो चेंज आ रहा है उसे ये दिख रहा है कि हाँ मैं इस झूठ में अब दो कदम आगे और बढ़ चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ सही नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ये अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ तो जो भी करना पड़े मैं करूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात वो जानते हैं कि हाँ एक भले ही मतलब अपनी फैमिली के लिए छुपा रहे हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ तो वो गलत कर रहे हैं, और अब उसमें वो दो कदम आगे बढ़ चुके हैं। और ये चीज़ जो होती है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं आगे जाके इस फिल्म के सीक्वल में दिखाई देता है कि वो चीज़ वो डर कहीं ना कहीं उन्हें और उनकी फैमिली को खाया जा रहा है कि यार हमने वो झूठ तो बोला है,
हम झूठ छुपा तो रहे हैं, तो ये दूसरा स्टेप उनके इंटरनल वर्ल्ड के चेंज को कहीं ना कहीं दिखाता है। और तीसरा स्टेप अगेन फिलोसॉफिकल, जहां हम इस उसमें आते हैं कि क्या अपनी फैमिली के लिए किसी की गलत चीज़ को सही ठहराना सही है, एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन बन जाता है जिसका जवाब ऑडियंस खुद से अटैच होकर भी ढूंढ रही होती है कि उसे अगर ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते। ऑब्वियसली लोग मतलब ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं अजय देवगन के कैरेक्टर के साथ होते हैं कि हाँ जो उसने किया सही किया, लेकिन वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये एंडिंग किस तरह आपके एक्सटर्नल इंटरनल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चन को एड्रेस करती है, उसे अफेक्ट करती है, भले ही पूरी तरह सेटिस्फाई ना करे लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में सवाल ज़रूर छोड़। तो इसी वजह से ये ट्विस्ट उतना इम्पैक्टफुल लगता है। और अब फाइनली मैं एग्जांपल दूंगा इस ट्विस्ट के सबसे अच्छे एग्जांपल का, जो वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स मुन्ना भाई MBBS, जिसमें फाइनल सीन के तौर पे अगर मैं कहूँ, क्लाइमैक्स सीन के तौर पे कहूँ, क्लाइमैक्स सीक्वेंस के तौर पे कहूँ, जहाँ मुन्ना भाई संजय दत्त डॉन जो डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था, लाखों कोशिशों के बाद हॉस्पिटल में एडमिशन भी ले लिया था, डॉक्टर की पढ़ाई भी चल रही थी, और शुरुआत में वो डॉक्टर्स जो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट थे अब उसके साथ भी हो चुके थे, उसकी पर्सनैलिटी को देखकर, उसकी लोगों की मदद करने की आदत को देखकर, और वो चाहते थे कि वो अपना एग्ज़ाम पास कर ले, इसलिए डॉक्टर्स कहीं ना कहीं खुद मुन्ना भाई की मदद करते हैं उस एग्ज़ाम को पास करने में, उसके पेपर्स लीक करते हैं, उसे रात भर बैठ के तैयारी करवाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि एक साथ का पेशेंट जिससे मुन्ना भाई का एक दिल का कनेक्शन बन चुका था, वो ठीक उस रात दम तोड़ देता है। अगले दिन मुन्ना अपने एग्ज़ाम के लिए पूरे क्या कहते हैं जो भी उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट है उनके सामने बैठा है, वो चाहे तो क्लियर कर सकता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है कि नहीं करना यार। मुन्ना जो इतना लड़ने के लिए कोशिश कर रहा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, आखिर में उसको छोड़ देता है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं एक्सटर्नली, ये कहानी में ट्विस्ट आया, जो बंदा करना चाह रहा था अब वो सिचुएशन ऐसी आई है वो खुद ही छोड़ रहा है। आपको उसकी इंटरनल स्टेट भी क्लियरली मालूम पड़ रही है कि वो किस वजह से छोड़ रहा है। जो उसका सपना था कि नहीं मैं तो अपने बाबूजी का बदला लूंगा, मैं तो डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, सिर्फ किस वजह से, जो उसका दिल का रिश्ता उस इंसान के साथ जुड़ा था, अब उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज आया है कि नहीं यार ये सिर्फ डिग्री लेने की बात नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस झूठ में, मैं किस भुलावे में खुद को रख रहा हूँ, एक डॉक्टर बनना बहुत जिम्मेदारी का काम है, मैं उस दोस्त को नहीं बचा पाया, शायद अगर मैं सच का डॉक्टर होता शायद कुछ कर पाता, कुछ पल के लिए ही सही लेकिन शायद उसे ज़िंदगी दे पाता। और यहीं पे फिर वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी आता है कि हम डॉक्टर्स हैं तो हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ज़िंदगी और मौत के बीच जब ऐसी जंग चल रही हो तो हमें किसकी साइड लेनी चाहिए, क्या मुन्ना का ये रिएक्शन सही है या फिर डॉक्टर्स जो कह रहे हैं उनकी बात ही सही होनी चाहिए। तो इसी तरीके के फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कहीं ना कहीं उस कहानी को अफेक्ट करते हैं। तो आपने देखा इंटरनल, एक्सटर्नल और फिलोसॉफिकल, ये तीनों कंडीशंस उस क्लाइमैक्स सीक्वेंस में सेटिस्फाई होती है, और इसलिए हमें वो ट्विस्ट इमोशनली इतना, जिसे कहते हैं ना, दिल पे लग जाती है यार, जितना हमें निचोड़ते हैं। तो दोस्तों आपने देखा जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया कि एवरेज इम्पैक्टफुल और वेरी वेरी इम्पैक्टफुल प्लॉट ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट इसके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ऑर्गेनिक तो ऑफकोर्स लगना चाहिए, वो कहानी का हिस्सा लगना चाहिए, कहानी के वर्ल्ड का हिस्सा लगना चाहिए, और उस सीक्वेंस में जैसे मैं कहूँगा कि हाँ उसका प्रॉपर एस्टैब्लिशमेंट हो जाना चाहिए ताकि वो ट्विस्ट एब्रप्ट सा ना लगे, मतलब ऐसा ना लगे कि सिर्फ ट्विस्ट दिखाना था इसलिए, मतलब ऐसी बात कह दी गई, एक डायलॉग के थ्रू एक ट्विस्ट दे दिया गया, एक एक्शन के थ्रू एक ट्विस्ट दे दिया गया, वो ट्विस्ट आपको ऑर्गेनिक नहीं लगेगा, वो आप ट्विस्ट आपको नेचुरल नहीं लगेगा। तो दोस्तों अपनी कहानी लिखते हुए या दूसरी फिल्म्स की कहानी देखते हुए हमेशा जब भी ट्विस्ट को जज करें तो कहीं ना कहीं ये देखें कि ये तीनों लेवल्स पे कितना खरा उतरता है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जितनी भी अच्छी फिल्म्स हैं, जितनी भी मतलब जिसे मैं कहूँगा कि क्लासिकल फिल्म्स हैं या आइकॉनिक फिल्म्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं उन तीनों ट्विस्ट के पैरामीटर्स को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई ज़रूर करती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा ट्यूटोरियल कहानी में ट्विस्ट पे, प्लॉट ट्विस्ट पे। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो, लेकिन
सिर्फ पसंद आने का मामला नहीं है दोस्तों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखने के साथ साथ इससे बहुत कुछ आपको सीखना भी है, और अगर आप इसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं तो वाकई आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा भी। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी जब आप कुछ भी अपनी जो पसंदीदा फिल्म जो आप देख चुके हो, खासकर जिसमें ये कि ये हो कि नहीं मुझे नए एंगल से देखना नहीं, मुझे समझना है, सीखना है, तो उस कहानी को देखिए और ख़ासकर इस एंगल से देखिए कि अगर इस प्लॉट में ट्विस्ट था तो ये क्या उन तीनों सिचुएशंस को, इन तीनों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करता है, उन पर खरा उतरता है, या ये ट्विस्ट जो है मुझे कहानी में नेचुरल लग रहा है या नहीं। और अगर आपको कुछ अब ऐसी फिल्में हैं जैसे मैंने एग्जांपल में आपको फिल्म्स बताई, मुन्ना भाई या फिर दृश्यम, ऐसे ही कुछ फिल्मों का आपको खुद ध्यान आता है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको उनका ट्विस्ट इस वजह से अच्छा लगा और वो ट्विस्ट इन तीनों पैरामीटर्स को सेटिस्फाई भी करता है। प्लीज़ इस एंगल से फिल्म्स को देखिए तो शायद आपको उससे और कुछ सीखने को मिलेगा। स्क्रिप्ट्स भी पढ़िए तो ज़रूर इस एंगल से पढ़िए कि कहीं ना कहीं आपको उस कहानी में ये तीनों पैरामीटर्स सेटिस्फाई होते हुए देखें, तो ज़रूर 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 आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी। आपकी नेक्स्ट कहानी में चाहे आप थ्रिलर लिख रहे हो, चाहे एक ड्रामा भी लिख रहे हो, इमोशनल ड्रामा भले ही लिख रहे हो, लेकिन ये आपकी कहानी को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाएगा, आप वो इम्पैक्टफुल ट्विस्ट दे पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही बहुत नॉलेज वाले वीडियो और भी हैं हमारी प्लेलिस्ट में जो आप ये फिल्म स्कूल के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिर्फ स्क्रीन राइटिंग ही नहीं, फिल्म मेकिंग से जुड़े और सब्जेक्ट्स पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं ये फिल्म स्कूल के चैनल पर जो आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर यही वीडियोस, इन वीडियोस का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो इन वीडियोस से जुड़े हुए और भी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियोस जिनमें कि हमने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी दिए हैं, उनके हमने कोर्सेज बनाए हैं, तो अगर वाकई आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए और उन कोर्सेज के लिए प्लीज़ अप्लाई कीजिए। आप उन कोर्सेज को रिमोट लोकेशंस पर बैठे बैठे डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक फिल्म मेकर के तौर पर अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप वाकई सीरियसली फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं, आपके स्किल लेवल को बढ़ाने के लिए, आपकी फिल्म मेकिंग को एक नया लेवल देने के लिए। तो प्लीज़ अगर आप फिल्म मेकिंग के लिए सीखना चाहते हैं, ज़्यादा अच्छे फिल्म मेकर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कॉन्टैक्ट कीजिए कोर्सेज लेने के लिए। थैंक यू।